ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी व राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में ऑडिटोरियम के लिए चिन्हित स्थल सहित मंडी शहर में लगभग 95 करोड़ रुपए की निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों व निर्वाचन क्षेत्र मंडी की जनता को जहाँ नववर्ष की बधाई दी, वहीं कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के युवा व ऊर्जावान नेतृत्व में मंडी सहित पूरे प्रदेश में विकास की गति को तेजी मिली है। नए साल की शुरुआत उन्होंने वर्तमान में जारी विकास कार्यों का अवलोकन करके की है और इन्हें तय समय में पूरा करने का सभी आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय मंडी के ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा हाल ही में की थी और इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसी कड़ी में महाविद्यालय में संबंधित विभाग के साथ स्थल निरीक्षण किया गया है और मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के भवन का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। इसके लिए लगभग 16 करोड़ 18 लाख की राशि जारी की गई है। पड्डल के समीप प्रस्तावित इस कार्य का भी उन्होंने स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पुरानी मंडी से पड्डल के लिए ब्यास नदी पर प्रस्तावित पैदल पुल को एम्बुलेंस योग्य बनाया जाएगा और इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने पुल तक अप्रोच सड़क निर्मित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी दिए। अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी को सुंदर बनाना उनका सपना है और इस सपने को पूरा करने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पूरा सहयोग व जनता का सहयोग उन्हें मिल रहा है। विक्टोरिया पुल के समीप ब्यास नदी पर लगभग 25 करोड़ 50 लाख की लागत से एक नया पुल निर्मित किया जा रहा है और इस वर्ष अप्रैल माह तक इसे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर नगर परिषद मंडी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार भट्ट, पार्षद जितेंद्र कुमार, जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ललित पठानिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उनके साथ मौजूद रहे। इसकी शुरुआत जो है आज हम कॉलेज के ऑडिटोरियम जो हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से घोषणा की गई थी कि मंडी के अंदर, क्योंकि इसी कॉलेज के वो प्रोडक्ट हैं, यहीं के पढ़े हुए हैं, उनकी इच्छा है कि इस कॉलेज के अंदर एक अच्छा ऑडिटोरियम बने और साथ में जो क्लासरूम बने और एक अच्छा कॉम्प्लेक्स जो हमारे बनना चाहिए कॉलेज का, उसके लिए विशेषकर मैंने सभी अधिकारियों से यहाँ पर किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था भी हो, और ये हमने तय किया है कि इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए और ऑडिटोरियम साथ में क्लासरूम का एक अच्छा कॉन्सेप्ट इस कॉलेज का बने और साथ में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी, क्योंकि उसको भी आज हमने विजिट किया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का टेंडर हो चुका है और उसका काम जो है किसी कारण से रुका हुआ है, उसमें कमियां क्या है और कैसे उसको किया जा सकता है, उसके चर्चा के लिए भी मैं अधिकारियों के साथ जो उसका विजिट किया। और साथ में हमें जो एक ब्रिज हमारा बन रहा है, एम्बुलेंस ब्रिज कह सकता हूँ उसको, पेडिस्ट्रियन के लिए भी है जो हमारा पुरानी मंडी से है, उसको भी देखने के लिए कहाँ से उसको हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी आज हमने उस साइट का मायना किया। और साथ साथ में अब मैंने आईटीआई के जो हमारा ब्रिज है उसका मायना भी करने जा रहा हूँ और साथ में यहाँ कुछ शमशान घाट का काम है उसको भी देखने जा रहा हूँ। दूसरे भी काम सभी अधिकारियों के साथ आज हम जो मंडी शहर के अंदर काम हो सकते हैं उसके ऊपर हमने काम इस पे इंस्पेक्शन का काम जो है आज हम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक सपना है मंडी शहर को खूबसूरत बनाना, उस कॉलेज के भवन को एक अच्छा भवन का स्वरूप देना, उसके लिए हमने काम शुरू किया है। वैसे तो बहुत सी योजनाएं हैं जहाँ इस मंडी को एक अलग सी पहचान देने की बात है। हालांकि विक्टोरिया के साथ जो हमारा ब्रिज का काम चला हुआ है वो भी हमने अप्रैल तक सोच रहे हैं कि अप्रैल तक हमारा ब्रिज बनकर तैयार होगा, जिससे कि खलियार और पुरानी मंडी के लिए जो ट्रैफिक की समस्या आती थी उसको निजात मिलेगी। और उसके साथ ही बहुत सी योजनाएं हैं जिसका मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बाईपास का निर्माण करना है,